मैं इमरान सैफी, मोटिवेशनल टेक्नोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम किसानों के पास आए हैं, उन किसानों के पास जो कि हमारे गंगा एक्सप्रेसवे के अलाइनमेंट को लेकर जो बातें आ रही है, जो गंगा एक्सप्रेसवे का जो अलाइनमेंट है वो चेंज कर दिया गया था, उस चीज़ को लेकर जो यहाँ के किसान हैं वो परेशान हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो अलाइनमेंट है वो चेंज कर दिया गया है। तो आज हम किसान यहाँ एकजुट हुए हुए हैं, अब हम इनसे खास बातचीत करते हैं गंगा एक्सप्रेसवे के अलाइनमेंट को चेंज को लेकर। सबसे पहला भाई साहब, मेरा आपसे सवाल है, गंगा एक्सप्रेसवे पर आप सभी किसान भाइयों को अधिकारी व यूपीडीए की तरफ से क्या जानकारी आपको मिली? हमें अधिकारियों ने बताया आपसे पहले कि आपका गंगा एक्सप्रेसवे बदला नहीं जा रहा, वहीं रहेगा जी। जबकि इन्होंने अभी परसों पाँच दिन में, मतलब इस मामले को डेढ़ साल से तो बदला नहीं, पर पाँच दिन में इसे तुरंत चेंज करके अखबारों में दे दिया और हमसे गुमराह करा किसानों से गुमराह किया कि जो यही निकल रहा, आपको धोखे में रखा। हम उन्हें ज्ञापन देते रहे परंतु उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने मिली भक्त करके और जो बहुत बड़े जो है भूमाफिया हैं उनसे मिली भक्त करके वो गंगा एक्सप्रेस वे बदलवा दिया। जी जी जी, इन्होंने बताया है कि जो गंगा एक्सप्रेस वे का जो 18 महीनों से जिसका सर्वे भी कंप्लीट, इनकी भूमि में पिलर वगैरह सब लग गए हैं, तो इसको जो है 5 दिन में इसको चेंज कर दिया गया। सरकारी तंत्र मेरा आपसे गुमराह कर रहा है। आपसे सवाल है, गंगा एक्सप्रेस वे के अलाइनमेंट चेंज होने की जानकारी अब कब और कैसे आपको मिली? ये पिछले 8 से 10 दिन के अंदर ही जानकारी हुई है, अखबार के माध्यम से हुई है और यूपीडा की वेबसाइट पे एकदम से 5 दिन के अंदर पुराने अलाइनमेंट की सारी डिटेल हटा के नए अलाइनमेंट की डिटेल परसों डाल दी गई है, जिसके बाद से किसान क्षेत्र के बहुत ज्यादा आक्रोशित है। इसमें अधिकारियों की मिलीभगत लग रही है, योगी जी को बदनाम करने की पूरी साजिश है। भाई साहब, आपसे सवाल है, गंगा एक्सप्रेसवे का जो अलाइनमेंट बदला गया, आप अब क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं जहाँ सर्वे हुआ है वहीं होना चाहिए, हमारे अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए जो है विकास के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। हम चाहते हैं सर्वे ही होना चाहिए, हमारे पास आना चाहिए। बिल्कुल, हम अपना हक किसी और के पास नहीं जाने देंगे, किसी भी कीमत पर, चाहे कुछ भी हो, चाहे हमें सत्याग्रह करना पड़े इसके लिए। ओके अंगल जी, आपसे सवाल है, आपको क्या लगता है कि जो गंगा एक्सप्रेसवे का जो सर्वे है जो 18 महीनों से हो चुका है, सारी प्रक्रिया आप बता रहे हो, सारी प्रक्रिया यहाँ की कंप्लीट कर दी गई थी और अब लास्ट स्टेज इस गंगा एक्सप्रेसवे की चल रही थी कि नोटिस और भूमि अधिग्रहण के आदेश भी सरकार ने जारी कर दिए थे कि भूमि अधिग्रहण के आदेश जो है अब, लेकिन जो है अभी एक हफ्ते से जो है गंगा एक्सप्रेसवे का अलाइनमेंट जो है, जो पहले काशी से ये बनना था लेकिन अब हाजीपुर से इसको स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया गया है, इस चीज़ को लेकर किसान परेशान है और इसमें जो ये क्या निकल के आ रहा है, ये एकदम से 5 दिन के अंदर जो 8-7 दिन में जो चेंज हुआ है, इसमें साजिश है क्या है? ये जो हमारे अधिकारी हैं, अधिकारियों की साजिश के तहत ये काम हो रहा है। जो काम एक साल में नहीं कर पाए हमारे अधिकारी, और उन्होंने 5 दिन के अंदर ही पूरा एलिमेंट बदल कर दूसरी तरफ कर दिया, और पिछले एक साल से हमारे यहाँ बैनाम में बंद हैं, कोई ज़मीन की लेवा बेची नहीं हो रही है, किसान कोई बेचने को तैयार था उसकी ज़मीन नहीं बिकी, किसी को अपनी लड़की की शादी करनी है, किसी को कर्ज लेना है, वो सब बिल्कुल बंद हो गया, और यही आस में लगे रहे कि गंगा एक्सप्रेस वे ज़मीन हमारी जाएगी तब हम अपनी लड़कियों की शादी, किसी की देनदारी निभा पाएंगे। उसके बावजूद 5 दिन में नई तरीके से अलाइनमेंट चेंज कर पेपर में कर दिया कि हाजीपुर से टू गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से जुड़ेगा। मगर जो चीज अभी जैसे आपने देखा होगा पहले कि हमारे यहाँ जो अलाइनमेंट लगे हुए हैं वो गांव खोल लेंगे, बिल्कुल खेड़ा, खानपुर, खंदावली, धनोटा, बिजोली, खड़खड़ी, छतरी, अतराड़ा, अटोला और लोटई, ये जो साइड खोली हुई है नई, जो पेपर नंगला, जो पेपर में नई आज साइड देख रहा हूं, मैं परसों देखा है, उधर कोई भी कोई गांव का नाम नहीं है। ये मैं शब्द नहीं कह सकता, जो शब्द आप जान सकते हो कि ऐसा क्यों कर दिया। ये यूं कर दिया कि कुछ अपने भूमाफिया कहो या कुछ दबंग आदमियों को कहो या कुछ तत्व अधिकारियों से मिली भगत करके पूरा एलिमेंट चेंज कर दिया। इस वजह से सब ये किसान इकट्ठे हैं। आज हम सांसद अग्रवाल जी से भी मिले हैं, अपने सतवीर त्यागी जी के यहाँ सब किसान आए हुए हैं, 50 गांवों के किसान ये सब हैं, जहाँ कोरोना चल रहा है इस वजह से ज्यादा भीड़ को इकट्ठी ना कर कुछ गुणमान्य लोग ही मिल रहे हैं। ये आज तक बहुत एक आदमी